वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को कोविड 19 के प्रबंधन एवं ब्लैक फंगस के संबंध में अब तक की गई तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ के अलावा CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के टेस्टिंग में भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 45 से ऊपर के लोगों को अलग से कैंप लगाकर वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वरीयता के क्रम से वैक्सीनेशन कराया जाए। इसके अलावा CSC और PSC पर साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। ETC वार्ड को और मेंटेन किया जाए तथा इसमें इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के साथ कोविड पीड़ित बच्चों को भी रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया, और दो जो है दो वर्क प्लेस CVC गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आते हैं या आपके एम्प्लॉइज हैं विभिन्न विभागों के, या जो आपके गवर्नमेंट का या परिषदीय टीचर्स हैं वो भी आते हैं इसमें। तो उसमें ये कहा गया है कि जो एक CVC पर टीचर्स को वरीयता दी जाए, ताकि जो कॉलेज स्कूल वगैरह है वो सब खुल सके, उनको टीचर्स को अगर वैक्सीनेट कर दिया जाएगा पढ़ाई लिखाई काम हो पाएगा। और एक CVC आप रोटेट कर सकते हैं, कभी आपने विकास भवन में लगवा लिया तो जो विकास भवन के विकास के लोग हैं जो उसमें लगे हुए थे, प्राथमिकता आपको तय करनी कि किस तरह से आप वैक्सीनेट करवाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। जो लोग फ्रंटलाइन में ज्यादा है, फ्रंटलाइन वर्क करते हैं, उन लोगों को आप वो देंगे, प्राथमिकता देंगे। और जो मीडिया वाला आपका है, तो जिलों में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके कुछ समय में आपके वो नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक ये जो गवर्नमेंट सी ये जो वर्क प्लेस CVC है ये दो पार्ट में है। 50 डोज जो है वो इससे ये वाले 50 डोज 18 से 45 वाले, और वहीं पर आप 45 प्लस का भी 50 डोज का लगा लीजिएगा, तो 100 डोज के आपके वर्क प्लेस CVC हो जाएगा। वो तो जैसे ही उनको आप कंप्लीट कर लेंगे, वैसे ही उसको भी आप गवर्नमेंट CVC में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और उसको आप एज गवर्नमेंट CVC चलाते। जैसे भी आप लोग देखें, बैंक्स के लोग हैं या आपके सरकारी राज्य सरकार के लोग हैं, या जैसे मान लीजिए पोस्टल डिपार्टमेंट के और जिसके भी हैं, वो आपके वहाँ स्टार्ट कर दीजिए। और जो सूची बनेगी, तो जो 23 जिले हैं जिनमें पहले से चल रहा था, उसमें ये काम 31 मई से ही शुरू, जून से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जून से उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो ये तो ब्रॉड पैरामीटर है। और जो बड़े जिले हैं वहाँ पर आप इसके अलावे भी, जैसे 4 के CVC बताया, पर बहुत सारे ऑफिस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसको आप जो बड़े जिले हैं आप 1-2 वर्ग के CVC और बढ़ा सकते हैं। आपको जो अलॉटमेंट हो रहा है वैक्सीन का, उसमें वीवो वाई करके, जिसमें कि ऐसे लोग ही उसमें करवा पाएंगे वैक्सीनेशन, जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के बनेगा, जो अभिभावक स्पेशल होगा उसके नाम में ही आ जाए। मान लीजिए कि हरदोई जिला है, हरदोई जिले में अगर राजेंद्र नगर मोहल्ले में आप बना रहे हैं, तो राजेंद्र नगर CSC है या PSC है, जो भी अर्बन PSC जो कुछ भी है, तो राजेंद्र नगर अर्बन PSC अभिभावक स्पेशल उसका। आज वैक्सीनेशन को लेकर के और कोविड नियंत्रण को लेकर के और ये हमारा ब्लैक फंगस के लेकर के तीनों पॉइंट पर ICSR और हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उसमें वैक्सीनेशन का ही गति को बढ़ाने के लिए कहा गया है, और 18 प्लस के लोगों को भी पोर्टल से ही होना है अभी।
उसका वैक्सीनेशन, उसका भी वैक्सीनेशन बढ़ाना है। 45 प्लस के लोगों के लिए कहा गया है कि आप रूट लेवल पर अपनी जगहों से हट करके गांव एरिया में जाइए, वहां आशा एनएम से मोबिलाइज करके और सब सेंटर पर वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि काफ़ी मात्रा में लोग आएँ और वैक्सीनेशन कराएँ। और कोविड नियंत्रण के बारे में कहा गया है कि अभी भी सैम्पलिंग उसी गति से होनी चाहिए और आपके सेंटर्स जो हैं उन वो जो साफ़ सफाई उसकी का ध्यान रखा जाए। हमारे सभी PSC CSC को के लिए कहा गया कि वहाँ रंगाई पुताई और सफाई की व्यवस्था कर दी जाए, तो हमने सभी अपने सेंटरों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि सभी अपने सेंटर्स की सफाई कर लें, आप जहाँ आवश्यकता हो उसकी पुताई कर लें और जिससे कि साफ़ सुथरा दिखाई दे। ये तो जैसे कि इंसेफ्लाइटिस का पेशेंट होता है उसी तरह से कोविड के लिए भी रहेगा। तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज होता है, बाकी वेंटिलेटर की सुविधाएं तो एक जैसी होती हैं। तो हमारे 3 CSCs जो हैं गगहा, पिपराइच और चौरी चौरा में 3-3 वेंटिलेटर्स हैं। वहाँ पर मैन पावर हमारे हैं, वहाँ एनेस्थेटिस्ट हैं, वहाँ हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, वहाँ नर्सेज, वहाँ के स्टाफ सेंटर के ट्रेंड हैं। तो ये सब कुछ साफ चल रहा है, वेंटिलेटर्स हमारे क्रियाशील हैं, किसी भी तरह से अगर कुछ होता है तो इन पर वो उनको भर्ती करके हम ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे।